दोस्तों भारत की दूसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसे हम रैपिड रेल या फिर NCRTC प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिससे जुड़े हुए दो बड़े अपडेट सामने निकल के आ रहे हैं जिसके बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। उससे पहले बात करते हैं फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन की, जो है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि इंडिया में अभी ऑपरेशन फॉर्म में है। और दूसरी है हमारी रैपिड रेल, जो 82 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है जो दिल्ली से मेरठ के बीच में ऑपरेट होगा। तो इससे जुड़ा हुआ पहला बड़ा अपडेट ये है कि भारत के इस RRTS कॉरिडोर के पहले ट्रेन सेट को सावली यानी गुजरात से भेज दिया गया है और ये बहुत जल्द दुहाई डिपो पहुंचने वाला है। इस ट्रेन सेट को गुजरात में एल्स्टॉम की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से एक ट्रेलर पर लोड करके सड़क मार्ग से दुहाई डिपो के लिए रवाना किया गया है। और अब इसी महीने के बीच से या फिर अगले महीने से इसके ट्रायल रन शुरू हो जाएंगे, जिससे इसके अंदर जो भी छोटी मोटी कमियां हैं उनको आसानी से दूर किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि RRTS ने अपना पहला ट्रेन सेट 7 मई 2022 को लॉन्च किया था। वहीं RRTS की तरफ से इस ट्रेन के लिए 11 स्टेबलिंग लाइन, 2 वर्कशॉप लाइन, 3 इंटरनल बे लाइन यानी IBL और 1 हैवी इंटरनल क्लीनिंग सिस्टम को भी बनाने का काम कर रही है, जिसमें से वर्कशॉप और 1 IBL लाइन का काम अंतिम चरण पर है। बाकी के सभी कामों को कंप्लीट किया जा चुका है। यानी कि ओवरऑल आप देखें तो यहाँ पर किसी भी काम को बात के लिए नहीं छोड़ा जा रहा है, सभी को उनके ट्रायल रन से पहले ही बना करके कंप्लीट किया जा रहा है। जहाँ पर एल्स्टॉम की तरफ से पहली बार मेक इन इंडिया के तहत इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को बना करके तैयार किया गया है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है कि दिल्ली से गाजियाबाद और मेरठ के बीच जो भी गलियारे हैं उसके लिए डिजाइनिंग, सप्लाई, इंस्टॉलिंग, टेस्टिंग, सिग्नलिंग, ट्रेन कंट्रोल, सुपरविजन, प्लेटफॉर्म, स्क्रीन डोर्स, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, इन सभी चीजों को प्री इंस्टॉल किया जा रहा है। जहाँ पर इस ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से दौड़ाया जाएगा और हर 5 से 10 मिनट में यहाँ पर ट्रेन की सुविधा उपलब्ध होगी इन स्टेशन के बीच में। जहाँ पर दिल्ली से मेरठ के बीच की जो दूरी है वो सिर्फ 55 मिनट में ही तय कर ली जाएगी। और यहाँ पर इन सभी स्टेशनों को मल्टी इंटीग्रेशन के साथ तैयार किया जा रहा है, यानी कि जितने भी नियरेस्ट बस स्टैंड, मेट्रो स्टैंड है, सभी को आपस में कनेक्ट किया जाए ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। और स्टेशन से जुड़ा हुआ ही दूसरा बड़ा अपडेट है, जहां पर NCRTC ने पेटीएम बैंक के साथ पार्टनरशिप कर ली है, जिसके तहत अब पेटीएम इनको AFC सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। AFC मीन्स ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के नए जमाने में डिजिटल इंडिया को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, ज्यादातर पेमेंट्स ऑनलाइन हो रही हैं, QR के माध्यम से हो रही हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए पेटीएम के साथ ये पार्टनरशिप की गई है, जहां पर यात्रियों के लिए AFC सिस्टम और QR कोड्स टिकट के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही साथ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटीज भी यहां पर लागू होने वाली हैं। सो भारत में तैयार की गई मेड इन इंडिया ट्रेन के बारे में और नए प्लान्स के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।